हेलो दोस्तों आज के वीडियो में सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट गुवाहाटी द्वारा निकलने वाली असम जुडिशियल सर्विस ग्रेड थर्ड पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और असम जुडिशियल सर्विस ग्रेड थर्ड के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल से जान लेते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की तो दोस्तों यहाँ जो एग्ज़ाम है आपका तीन पार्ट में होगा सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और दूसरा है मेंस आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है और तीसरा पार्ट है इसका इंटरव्यू तो दोस्तों जो प्री एग्जाम है प्री एग्ज़ाम को आप देंगे तो इसमें अगर आप सिक्सटी परसेंट या उससे अधिक मार्क्स लाते हैं तो आपको मेंस के लिए एलिजिबल किया जाएगा मींस मेंस देने का आपको चांस मिलेगा और इसी प्रकार मेंस एग्ज़ाम में सिक्सटी परसेंट या उससे अधिक मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए एलिजिबल माना जाएगा और उनको इंटरव्यू देने का चांस मिलेगा और लास्ट में जो इंटरव्यू है इंटरव्यू में भी आपको सिक्सटी या उससे अधिक मार्क्स लाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं तो उनको ओवरऑल मेरिट में शामिल होने का चांस मिलेगा और ओवरऑल मेरिट के आधार पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन कर लिया जाएगा तो अब हम यहाँ सिलेबस की बात कर लेते हैं डिटेल से तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस की तो यहाँ जो स्क्रीन टेस्ट होगा वो आपके हंड्रेड मार्क्स का होगा और नाइन्टी मार्क्स विल कवर आपके जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन पिनल कोड इंडियन एविडेंस एक्ट लॉ ऑफ टूर्स एंड रिमेनिंग जो टेन मार्क्स हैं आपके टेस्ट ऑफ आप प्रोफेंसी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज यानी जो असम की ऑफिशियल लैंग्वेज है असमी उसका जो है टेस्ट होगा टेन मार्क्स का और नाइन्टी मार्क्स का दूसरे जो आपके लीगल हैं और जो जनरल नॉलेज वगैरह है उसका टेस्ट होगा उसका जो मेंस जो रिटर्न एग्जामिनेशन है तो ये देखें इसमें जो पेपर फर्स्ट है वो इंग्लिश का होगा हंड्रेड मार्क्स का इसमें आपसे ए राइटिंग प्रेसियास राइटिंग और ग्रामर इत्यादि के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और मेन्स का जो पेपर सेकेंड होगा वो जनरल नॉलेज का होगा ये भी हंड्रेड मार्क्स का होगा इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप और एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका जो पेपर थर्ड है वो लॉ का पेपर होगा यानी लॉ पेपर फर्स्ट होगा ये भी हंड्रेड मार्क्स का होगा तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बाद जो आपका पेपर फोर है लॉ का है लॉ का पेपर सेकेंड है ये भी हंड्रेड मार्क्स का होगा और इसमें आपके इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडियन एविडेंस एक्ट और लॉ ऑफ टोर्ड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसका जो फिफ्थ पेपर होगा और पेपर आप टेस्ट आप प्रोफेसेंसी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसका एक टेस्ट होगा यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होगा मीन्स इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके जो मेंस एग्जामिनेशन में मार्क्स जुड़ने हैं वो आपके हो गए फोर हंड्रेड मार्क्स के हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के चार पेपर हो गए आपके जो फिफ्थ पेपर है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है और ये यहाँ पर फिफ्टी मार्क्स का होगा उसके बाद जो है लास्ट में आपका इंटरव्यू है और इंटरव्यू भी आपका फिफ्टी मार्क्स का होगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप प्री में सिक्सटी परसेंट मार्क्स या उससे अधिक लाते हैं तो मेंस देंगे और मेंस में अगर ऐसे ही लाते हैं तो इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू में भी अगर आप लाते हैं तो जो फ़ाइनल लिस्ट क्रिएट हो जाती है उसमें आपको जो है मेरिट लिस्ट में चांस दिया जाएगा और फिर जो मेरिट फाइनल बनेगी उसमें जो टॉप कैंडिडेट्स से हैं उनको सेलेक्ट होने का नौकरी करने का चांस मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद